लोकसभा से 4 कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया गया है नारेबाजी के चलते, प्ले कार्ड दिखाने के चलते। राजेंद्र अग्रवाल जी, आप तो थे उस चेयर पर, क्या क्या वजह है कि कांग्रेसी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित? नहीं, देखिए, प्ले कार्ड दिखाना ये संसदीय परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। सब नियमों को जानते हैं, कांग्रेस के सभी मान्य सदस्य जानते हैं, उनके नेता जानते हैं। और आज माननीय स्पीकर महोदय ने जब 3 बजे क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, 2 बजे क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, तो बराबर बाधा डालने पर उनको चेतावनी दी, उनको समझाया, उनको अनुरोध किया, 3 बजे के जी उनको कहा भी गया, परंतु उनके ध्यान में ये बात नहीं आई। और 3 बजे जब हाउस रीअसेंबल हुआ तब भी उन्होंने प्लेकार्ड दिखाना, नारे लगाना, ये सब जारी रखा और परिणाम तो ये कार्यवाही के खिलाफ करनी पड़ी। नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो तो महंगाई की आवाज उठा रहे थे और आप महंगाई को नहीं उठाने दे रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। संसद के अंदर विषय उठाने का तरीका है, संसद के अंदर सड़क के अंदाज में विषय नहीं उठाया जाता। आप सड़क पर आंदोलन कीजिए, आप नारेबाजी कीजिए, आप और जो कुछ भी करना है विधि सम्मत वो कीजिए, लेकिन संसद के अंदर चर्चा के माध्यम से विषय उठता है। और चर्चा का अधिकार केवल आपका नहीं है, जो सारे सारे सदस्य हैं, विभिन्न दलों के सदस्य हैं, विभिन्न विचारों वाले सदस्य हैं, उनका भी अधिकार। ये तो ज्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं है, और भी तो विपक्ष ये कार्रवाई निश्चित रूप से कड़ी है, लेकिन ये कोई प्रशंसापूर्वक नहीं की जाती। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं रहता है, क्योंकि हाउस चलाना ये जिम्मेदारी अन्य जो मान्य सदस्य उनके अधिकार का भी रक्षण।